क्योंकि जो ठंड है यहाँ पर, ठंड यहाँ पर काफ़ी ठंड और तेज़ हवा है, बिल्कुल तेज़ हवा चलती है यहाँ पर। मैं तो कहूँगा गर्म कैप भी आप ज़रूर लेकर आएँ, जिससे आप अपनी सिर को कवर कर सकते हैं। और जब भी आप दर्शन करेंगे वो सामने हनुमान भगवान का मंदिर है, तो देखिए वहाँ पे आरती चल रही है। तो लोग ये देखिए यहाँ पे चप्पू का नज़ारा लेते हुए। और अगर आप खुद बोट चलाना चाहते हैं, खुद पैडल से आप बोटिंग करना चाहते हैं, तो उसकी टाइमिंग फ़िक्स है 6 बजे शाम तक। हम थोड़ा लेट हो गए थे तो इसलिए हमें चप्पू को हायर करना पड़ा। चप्पू जो है ये 7-7:30 बजे तक चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका प्राइस भी ज़्यादा है। वो देखिए आप जो मेरे सामने देख रहे हैं नैनीताल, पहाड़ों में बसा हुआ एक सुंदर और खूबसूरत शहर। ये देखिए पहाड़ों में बसा हुआ खूबसूरत शहर, क्या ही सुंदर नज़ारा है बोटिंग का। बोटिंग हमने वैसे काफ़ी जगहों पर की है, लेकिन नैनीताल की झील का जितना हमने नाम सुना था वाकई हमने इसे वैसा ही पाया है। और सामने जो है हमारे नैना माता का मंदिर नैनीताल। तो ऐसे खूबसूरत ब्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल हितेश शर्मा के साथ ज़रूर जुड़े। ये देखिए आप घर बैठे जो है नैनी झील की आप हमारे साथ जो है सैर कर रहे हैं। ये देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये नैनीताल का शहर जो पहाड़ों में बसा हुआ है। OnePlus 10 Pro ये कैमरा है, क्योंकि DJI का कैमरा जो है वो मैं रूम में भूल गया अपना। तो इस तरह आप बोटिंग का जो नज़ारा आप ले सकते हैं फैमिली के साथ। हम हस्बैंड वाइफ और ये हमारा जो बेटा है वो बैठा हुआ है, एक फैमिली हमारे साथ है। इस बार कम आया टूरिस्ट थोड़ा, है ना, थोड़ा कम इसलिए हुआ गाड़ी रोक देते हैं उसी बाईपास पे। अच्छा, बारिश वगैरह भी इस बार जून में ठीक ठाक हो गई है ना? अच्छा, नहीं जैसे पंजाब वगैरह में भी जून में बारिश हुई है ना, जल्दी होगी तो। हाँ, तो जून स्टार्ट, तो ठंड ऐसी रहती है यहाँ पे। हाँ, बारिश हल्की फुल्की हो जाती है, ठंडा ऐसा ही होता है। तो जून यहाँ पे इसका मतलब ठंडा ही रहता है ना। हाँ। रात को मतलब जैकेट्स वगैरह तो डालनी पड़ती हैं, डालनी पड़ती है। तो ये देखिए भैया ने हमें बताया है कि चाहे गर्मी का महीना जून का, जिसे हम मानते हैं कि सबसे गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी ठंडा है। ये देखिए जो ऊपर आपको बादल दिखाई देंगे, बारिश होके हटी है यहाँ पर अभी अभी। आप एंजॉय कीजिए, देखिए व्यू एंजॉय कीजिए आप। नैना माता का मंदिर, है OnePlus 10 Pro का जूम था। वैसे चप्पू में एक अलग ही नज़ारा है ना, पैडल मारने के जैसे रिलैक्स होके बैठना है ना। ये कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल्चर हाँ। ओके तो ये हर दिन मिल रहा है। रिया ये चंडीगढ़ साइड तो नहीं है खैर ऐसी बोटिंग, वहाँ पे पैडल। हाँ दिल्ली साइड में भी ये कल्चर नहीं है वहाँ पे। हाँ डल लेक में जरूर है, कश्मीर साइड में तो है। मतलब यहाँ पे तो ऐसे है कि आदमी अगर पे कर दे खुला है 1-2-2.5 घंटे के लिए आना और आराम से पानी के ऊपर रिलैक्स हो जाए है ना। उस हिसाब से फिर टिकट कटेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, टिकट एक्स्ट्रा कटवा के भाई यहीं पर अच्छे फील है। अच्छा वो मेन मंदिर है ना माता का। इसे क्या हसीन वादियों का नज़ारा, क्या बात है, जबरदस्त। जय माता दी, दादा माता की जय। होटल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। जो हमें रूम मिला वो 3000 का रूम मिला हमें, यहाँ पे 2000 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया विंटर में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती होगी? दिसंबर जनवरी में हल्की गिरती है ज़्यादा। अच्छा हल्की फुल्की, गाड़ी गुड़ी निकल सकती है आराम से है ना? गाड़ी निकल जाती है। रश कम होता होगा दिसंबर जनवरी में कि पूरा भरा रहता है? इतना नहीं रहता, जैसे अगर वीकेंड की छुट्टियाँ पड़ी 7 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और छुट्टियाँ नहीं होंगी वर्किंग डेज में तो कम होता होगा है ना। यही आपका 20 जुलाई से 25 जून से कम हो जाएगा। अच्छा क्योंकि बारिशें आ जाएंगी ना, फिर बारिश हो जाएगी फिर नीचे छुट्टियाँ वगैरह कम हो जाएगी। और एक बार ऐसा भी सुनने में आया था कि पानी कहते सड़कों पर पानी आ गया था लेक का है ना। 2000 हाँ बस अड्डे में पानी आ गया था ना 2000 किस में? 2-1 साल पुरानी बात है ना। कहते वो सारा रोड वगैरह पे सारा भर गया था वो। अच्छा मंदिर के अंदर भी आ गया था पानी? तो मतलब बारिश इतनी हुई थी है ना, तो पानी गेट बना कमर तक पानी आ गया था। गेट खोलने के लिए बना रखा था, वो गेट हो गया था जाम। ओके अच्छा गेट जाम हो गया, वो खुला नहीं होगा ना। अच्छा जब बारिश ज़्यादा होगी ना। और अंग्रेजों वाला था पहले जो, वो मारते थे हाथ से दबोचता था। अच्छा जो अंग्रेजों वाला गेट था वो खुला नहीं उनसे है ना। नहीं अंग्रेजों वाला हटा दिया था, ऑटोमेटिक कट लगा था जिससे पानी लेवल ज़्यादा होगा तो अपने हाथ खुल जाए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मछलियाँ काफ़ी चीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे। होटल्स तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ होटल्स की तो पूरी लाइन भरी पड़ी है ना। तो अच्छा एक बात बताओ भैया, जैसे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है मान लो, तो दिसंबर जनवरी में फिर बोटिंग होती है? अच्छा 12 महीने बारिश में बस बंद होती होगी। अच्छा तो वो त्यौहार वगैरह मनाते होगे ना आप लोग? ठीक है होली के दिन जो है। ठीक 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 कह रहे भैया। वो देखो आप भैया वो ऊपर होटल है किसी का या घर है? अच्छा प्राइवेट रिजॉर्ट है। वो क्या चीज़ है टॉप पे? उसके पीछे में। अच्छा तो व्यू ही बहुत अच्छा आता होगा कॉलेज से तो यार है ना। हाँ तो आपका घर यहीं पर ही, आप लोकल ही हो? हाँ नीचे में। तो ये कमाऊ बोलते हैं इसको, कमाऊ जिला है ना। ठीक है। और जो गढ़वाल है वो अलग है ना। ये देखिए बाजार, और ये माल रोड है सामने वाली। अच्छा हम मतलब पैदल तो जा सकते हैं हम है ना। ये 2.5 से 3 घंटे का जो टाइमिंग देते हैं पैदल वॉकिंग का रहता है, आराम से घूमे कोई ना गाइड ओके ओके, तो अभी वो गाड़ी बंद होगी ना? हाँ, आप नीचे वाली साइड पे चलेंगे। ओके यार, ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि जो बोटिंग मतलब के साथ साथ में गाड़ी बंद कर देते हैं, है ना? 6:30 से 9 के बीच, ये देखिए हमें पता चला है 6:30 से 9 के बीच जो है वो गाड़ी माल रोड पे जो है बंद कर दी जाती है, ताकि जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। भीड़ तो भैया खूब है यहाँ पे, है ना? अच्छा, इस बार काम है थोड़ा, तो बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सीजन है ना? पहले ऐसा होता था, एक दिन से हमको पासपोर्ट पूछना नहीं पड़ता था। अच्छा, पासपोर्ट बुलाता था भैया घुमाने। उस टाइम पे हमारा रेट भी कम था, 210 रुपये था, लेकिन अभी ये जनवरी में बढ़ा है, 15 जनवरी। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेट? हाँ, ये 5 साल में बढ़ता है। 5 साल में बढ़ते हैं, चलो। वैसे रेट तो आपके जानू बना है यार, आपका देखो जोर भी तो लगता है ना पूरा। तो देखिए ऐसे ब्लॉग्स के लिए आप हितेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब भी है जो काफ़ी हौसला बढ़ाता है मेरा। ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है मैंने, तो आप लोगों के सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।